जी सुनते हो, राहुल को कंपनी में जाकर टिफिन दे आओगे क्या? क्यों आज राहुल टिफिन लेकर नहीं गया? शरद राव ने पूछा। आज राहुल की कंपनी के चेयरमैन आ रहे हैं, इसीलिए राहुल सुबह 7 बजे ही निकल गया और इतनी सुबह खाना नहीं बन पाया था। ठीक है, दे आता हूँ मैं। शरद राव ने हाथ का पेपर रख दिया और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गए। पुष्पा बाई ने राहत की सांस ली। शरद राव तैयार हुए, मतलब उसके और राहुल के बीच हुआ विवाद उन्होंने नहीं सुना था। विवाद भी कैसा, हमेशा की तरह राहुल का अपने पिताजी पर दोषारोपण करना और पुष्पा बाई का अपने पति के पक्ष में बोलना। विषय भी वही, हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया ही क्या है, मेरे लिए क्या किया है मेरे बाप ने। माँ, मेरे मित्र के पिताजी भी शिक्षक थे, पर देखो उन्होंने कितना बड़ा बंगला बना लिया। नहीं तो एक ये हमारे पापा, अभी भी हम किराए के मकान में ही रह रहे हैं। राहुल, तुझे मालूम है कि तेरे पापा घर में बड़े हैं और 2 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्चा भी उन्होंने उठाया था। सिवाय इसके तुम्हारी बहन की शादी का खर्चा उन्होंने ही किया था। अपने गांव की ज़मीन की कोर्ट कचहरी भी लगी रही है। ये सारी जवाबदारियाँ किसने उठाई, क्या उपयोग हुआ उसका? उनके भाई बहन बंगलों में रहते हैं, कभी भी उन्होंने सोचा कि हमारे लिए जिस भाई ने इतने कष्ट उठाए उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, तो हम ही उन्हें एक मकान बनाकर दे दें? एक क्षण के लिए पुष्पा बाई की आंखें भर आई। क्या बताएं, अपने जन्म दिए पुत्र को बाप ने क्या किया मेरे लिए पूछ रहा है। फिर बोली, तुम्हारे पापा ने अपना कर्तव्य निभाया, भाई बहनों से भी कोई आशा नहीं रखी। राहुल मूर्खों जैसी बात करते हुए बोला, अच्छा वो ठीक है, उन्होंने हजारों बच्चों की ट्यूशन ली, यदि उनसे फीस ले लेते तो आज पैसों में खेल रहे होते। आजकल के क्लासेस वालों को देखो, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। यह तुम सच बोल रहे हो, परंतु तुम्हारे पापा का तत्व था ज्ञान दान का, पैसा नहीं लेना। उनके इन्हीं तत्वों के कारण उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई और कितने पुरस्कार मिले, उसकी कल्पना है तुझे? ये सुनते ही राहुल एकदम नाराज हो गया। क्या चाटना है उन पुरस्कारों को, उन पुरस्कारों से घर थोड़े ही बनते आएगा। पड़े हैं धूल खाते हुए, कोई नहीं पूछता उनको। इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। राहुल ने दरवाजा खोला तो शरद राव खड़े थे। पापा ने उनका बोलना तो नहीं सुना, इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया, परंतु शरद राव बिना कुछ बोले अंदर चले गए और वह बात वहीं खत्म हो गया। ये था पुष्पा बाई और राहुल का कल का झगड़ा। पर आज शरद राव ने टिफिन साइकिल को अटकाया और तपती धूप में औद्योगिक क्षेत्र की राहुल की कंपनी के लिए निकल पड़े। 7 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया था। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। राहुल पाटिल साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं साहब, आए हुए हैं, गार्ड भूला। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वो मीटिंग खत्म कर आ सकते हैं। आप बाजू में ही रहिए, चेयरमैन साहब को आप दिखने नहीं चाहिए। शरद राव थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे, आसपास कहीं भी छांव नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते 1 घंटा निकल गया। पाँव में दर्द उठने लगा था, इसलिए शरद राव वहीं एक तख्त पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट की आवाज़ आई, शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ राहुल भी बाहर आया। उसने अपने पिताजी को वहाँ खड़े देखा तो मन ही मन नाराज हो गया। चेयरमैन साहब कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाले थे तो उनकी नज़र शरद राव की ओर उठ गई। कार में ना बैठते हुए वो वैसे ही बाहर खड़े रहे। वो सामने कौन खड़ा है, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने राहुल सर जी के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं, गार्ड ने कम कंपाती आवाज में कहा। बुलवाइए उनको, जो ही होना था वह हुआ। राहुल के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी, क्रोध और डर से उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ने लगा। गार्ड की आवाज देने पर शरद राव पास आए। चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप पाटिल सर हैं ना, डीएन हाई स्कूल में शिक्षक थे? हाँ, आप कैसे पहचानते हो मुझे? कुछ समझने के पहले ही चेयरमैन साहब ने शरद राव के चरण छुए। सभी अधिकारी और राहुल वो दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सर, मैं
जगदीश अग्रवाल, तुम्हारा विद्यार्थी, आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया, बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हो आप तो। चेयरमैन हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं, आइए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सिर नीचे झुका लिया। वो देखकर शरद राव ही बोले, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसीलिए मैं बाहर ही रुक गया। ओके। चेयरमैन साहब ने शरद राव का हाथ अपने हाथ में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, अपनी कुर्सी की ओर इंगित करते हुए बोले। नहीं नहीं, वो कुर्सी आपकी है, शरद राव सकपकाते हुए बोले। सर आपके कारण वो कुर्सी मुझे मिली है। तब पहला हक आपका है, चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठाया। आपको मालूम नहीं होगा, पवार सर जनरल मैनेजर की ओर देखते हुए बोले, पाटिल सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती, और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभालता रहता। राहुल और जीएम दोनों आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रहे। स्कूल समय में मैं बहुत ही डप्पू विद्यार्थी था, जैसे तैसे मुझे नवीं कक्षा तक पहुँचाया गया, शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उस पर अमीर बाप की औलाद, दिन भर स्कूल में मौज मस्ती और मारपीट करना, शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना, यही मेरा शगल था। माँ को वह सहन नहीं होता। उस समय पाटिल सर कड़ी अनुशासन और उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनके पास मुझे पढ़ाने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर आकर पढ़ाने के लिए मुंह मांगी फीस का बोला। सर ने फीस के लिए तो मना कर दिया, परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर आकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए, हमेशा की तरह मैं शैतानी करने लगा। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें कहता हूँ राहुल, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ाई में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वो सब सरल लगने लगे थे। सर कभी आते नहीं थे तो मैं व्यग्र हो जाता था। नवीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी को खूब खुशी हुई, मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। दसवीं में मैंने सारे क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ पाटिल सर से ही पढ़ने लगा था, और दसवीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया था। माई गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी, जनरल मैनेजर ने पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पेड़े लेकर गया। पिताजी ने सर को 1,00,000 रुपये का चेक दिया, सर ने वो नहीं लिया। उस समय सर क्या बोले वो मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका लड़का ही बुद्धिमान है, मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया, और मैं ज्ञान नहीं बेचता, मैं वो दान देता हूँ। बाद में मैं सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मेरिट में आया। बाद में BA करने के बाद अमेरिका जाकर MS किया और अपने शहर में ही यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया, और मैं ही नहीं, सर ने ऐसे अनेक असंख्य हीरे बनाए हैं। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम, चेयरमैन साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पूछी। परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा का और ज्ञानदान का बाजार भरा पड़ा होकर भी सर ने 1 रुपया भी ना लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया पर उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई। वाह सर, मान गए आपको और आपके आदर्श को, शरद राव की ओर देखकर GM ने कहा। अरे सर, ये व्यक्ति तत्वनिष्ठ हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे भी नहीं हैं, विद्यार्थी का भला हो यही एकमात्र उद्देश्य था, चेयरमैन साहब बोले। मेरे पिताजी भी उन्हीं में से एक समय भूखे रह लेंगे, पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये उनके तत्व थे। जिंदगी भर उसका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया, उसका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई भी कुछ भी बोल नहीं पाया। फिर चेयरमैन ने शरद राव जी से पूछा, सर आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहते हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, शरद राव के बदले में राहुल ने ही उत्तर दिया। उस उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी तत्पर चेयरमैन साहब की समझ में आ गई। तय रहा फिर, सर आज मैं आपको गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट्स ले रखे हैं, उसमें
एक 3 BHK का मकान आपके नाम कर रहा हूँ, क्या? शरदराव और राहुल दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले, नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, शरदराव आग्रह पूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने शरदराव के हाथ को अपने हाथ में लिया। सर प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ करें, काम की अधिकता में मैं आपकी गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर राहुल की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा कि राहुल तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, जम गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त मेरे ससुर जी ने रखी होने से अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की, तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। चेयरमैन ने फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फ़ोन रखकर धीरे से बोली, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे मैरिज गार्डन का काम हो गया। सागर लॉन्स तो मालूम ही होगा सर, वह तो बहुत महंगा है। अरे तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं, सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सर के बस एक आवाज़ देने की बात है। परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। इस लॉन्च का मालिक भी सर का ही विद्यार्थी है, उसे मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ हाल ही नहीं तो भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारियां ली हैं उसने, वह भी स्वयं खुशी से। तुम केवल तारीख बताओ और सामान लेकर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राहुल अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला। धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हारे पिताश्री को दो राहुल, कि उनकी पुण्याई है। और मुझे एक वचन दो राहुल, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें दुख दे रहे हो तो ना केवल इस कंपनी से लात मारकर भगा दूंगा, परंतु तुम्हें पूरे महाराष्ट्र भर के किसी भी स्थान पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होगा, राहुल हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब राहुल घर आया तब शरद पवार किताब पढ़ रहे थे, पुष्पा बाई पास ही सब्जी काट रही थी। राहुल ने बैग रखी और शरद राव के पाँव पकड़कर बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा, मुझे पता नहीं पापा आप इतने बड़े व्यक्तित्व वाले इंसान हो। शरदराव ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अपना लड़का क्यों रो रहा है? पुष्पा बाई की समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है इसलिए पिता पुत्र में प्यार उमड़ रहा है। ये देखकर उनके नयन से भी कुछ बूंदें गाल पर लुढ़क आई। इसलिए दोस्तों कृपया अपने पिताजी से कभी भी यह ना कहें कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, जो भी कमाना हो वो स्वयं अर्जित करें, जो शिक्षा और संस्कार उन्होंने तुम्हें दिए हैं वही कमाने के लिए पथ प्रदर्शक रहेंगे। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।